गौरतलब है कि वृंदावन के थाना क्षेत्र अंतर्गत इन्फिनिटी बिल्डर की निर्माणाधीन बिल्डिंग में 2 अक्टूबर की रात्रि को अज्ञात बदमाशों के द्वारा सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर उनसे लाइसेंसी बंदूक को लूट लिया गया था। इसी के साथ ही बदमाशों द्वारा स्टोर रूम में रखे हुए बिजली के कीमती तारों को भारी मात्रा में लूट लिया गया था, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर घटना में शामिल रहे 4 बदमाशों को वृंदावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुनरक गांव के जंगलों से लूटी हुई लाइसेंसी राइफल, कारतूस, बिजली के टूटे हुए तार और घटना में प्रयोग किए गए वाहनों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पकड़े गए बदमाशों के अन्य फरार साथियों की भी तलाश में जुटी हुई है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। पुलिस के अनुसार कुछ दिनों तक कुछ मजदूरों ने निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी का कार्य किया, वहां बिना अपनी मजदूरी लिए बिना कुछ बताए गायब हो गए, जिसके बाद जानकारी हुई कि मजदूरों द्वारा ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरी लूट की घटना को रचा गया था। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। जनपद मथुरा के थाना वृंदावन में 2/3 अक्टूबर की रात को इन्फिनिटी बिल्डर द्वारा बनाई जा रही बिल्डिंग और फ्लैट्स जो कि अर्धनिर्मित है, उसमें कुछ बदमाशों द्वारा अंदर घुस के और वहां के गार्ड उनको घायल करके उनकी राइफल लूट के बिजली की तार की डकैती की गई थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया। जिन गार्ड के साथ घटना हुई थी उनसे बड़ी सघन और गहन पूछताछ की गई, वहां पर काम करने वाले अन्य लोगों से भी जानकारी की गई। ये चीजें संज्ञान में आई कि यहाँ पर कुछ दिन पहले 2 व्यक्ति काम करने के लिए आए थे, जिनके द्वारा कुछ दिन काम किया गया, बिना अपनी तनख्वाह लिए या बिना कुछ पैसा लिए और बिना कुछ बताए यहाँ से चले गए हैं। इसी लाइन पर जब काम किया गया तो SOG SWAT और सर्विलांस की टीम इस गैंग के पीछे लगी। ये गैंग को ट्रेस किया गया और आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इस गैंग के 3 मेंबर्स योगेंद्र, राज और राहुल को अरेस्ट किया गया है और 4th व्यक्ति अरमान, जो कि एक नोएडा में स्थापित कबाड़िया है, जिसने ये जो लूटा हुआ माल है उसको खरीदा था या खरीदने आ रहा था उसको, तो इन चारों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसी के साथ जो उस घटना में लूटी गई राइफल थी वो भी इनके कब्जे से बरामद हुई है। इस घटना में 5 लोगों के नाम और प्रकाश में आए हैं जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, उनके लिए लगातार पुलिस टीम्स लगी हुई हैं। 60% जो इलेक्ट्रिक का सामान है, वायर्स हैं, वो बरामद हुई हैं। बाकी बचा हुआ माल और इस घटना में जो 4 पहिया वाहन और 2 मोटरसाइकिल प्रयोग हुए थे उसकी बरामदगी बाकी मुलजिमों से की जाएगी। देखिए, जो माल इसमें लूटा गया था उसकी कीमत लगभग 4.5 लाख की थी और 60% माल की बरामदगी हुई है। इस सफलता के लिए इसमें लगी हुई सभी टीम्स को 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया जाएगा। इसमें भी 5 मुलजिम जो प्रकाश में आए हैं वो फरार हैं, उनके बारे में टीम हुई लगी हुई। पहले भी कोई घटना नहीं? देखिए, जो मुलजिम पकड़े गए हैं इनमें से एक जो योगिंदर है वो इससे पहले 3 बार जेल जा चुका है, धौलपुर, आगरा और दिल्ली से, और जो एक मुलजिम राहुल है वो पहले तार चोरी में दिल्ली से जेल जा चुका है। बाकी वो जो वांछित मुलजिम है उनका भी आपराधिक इतिहास की जानकारी हुई है, उनके लिए टीम जो है लगातार लगेगी।